400 पारिस किस लिए, किस लिए बहुमत, इतना बड़ा बहुमत किस लिए मांग कर रहे हैं? नौकरी के लिए। अरे घी घी आईला में घी आईला से अर मन पवित्र न हो सोने के चिड़ैया कहियो पीतल न हो। 10 साल भी मोदी सरकार कहीं नहीं दिए, नहीं दिए तो वही न कर रहे हैं कि अभी भी सरकार बने कि जुमलाबाजी कैला से खुश ना होई। अरे जुमलाबाजी कैला से माना खुश ना होई, रोजगार नहीं देवा माना खुश ना हो। फोकस कीजिए, मेरे को बात बोलने जा रहे हैं। आधी रोटी खाएंगे तेजस्वी यादव को जिताएंगे। पर आप लोग मूड बना लिए, मोदी जी को रखना है कि पलटना? मोदी जी को यहाँ रखना ही नहीं है। त्रस्त हो गए, रोजगार नहीं मिलेगा नहीं। हम आशा टूट गया भैया, दाम आशा टूटा। दिल्ली बम्बई कमाने जाना पड़ता है, वहाँ हादसा हो जाता है, किसी ना किसी तरह का मारपीट होने लगता है, वहाँ से भागना हो जाता, भागना पड़ जाता है। बड़का बड़का झूठा पार्टी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है भैया। मतलब है सर कि हम लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, ग्रेजुएशन फाइनल किए हुए हैं। नीतीश कुमार बोलते उसको क्या पता था, नौकरियां हम दिया। आजकल बोले चला कि हम नौकरी दिया, हम नौकरी दिया, नवादा के मंच से बोले। वो पलटू राम चाचा है, ने सोने पलटे रहते हैं, उनका कोई बात का भरोसा? बचपना से लेकर बीए तक ला ग्रेजुएशन फाइनल किए तो हर बच्चा के दिल में सपना होता है, माँ बाप के भी सपना होता है कि नौकरी चाकरी हो। जब तेजस्वी आएगा तो होगा, बस तेजस्वी का इस बार लाना। कुछ रोजगार होना चाहिए, कम से कम जो बीए किया हुआ है उसको 10,000 का रोजगार हो, घर बैठे या कहीं भी ड्यूटी हो, इस तरह से रोजगार होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ कमल, आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों फ्री बात। अभी हमारी मौजूदगी है गया के बेलागंज विधानसभा के चाकंद स्कूल में, और यहाँ पे तेजस्वी यादव है जो मंच को संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ से जो कैंडिडेट है आपका सरबजीत पासवान, आपका इंडिया गठबंधन लालटेन छाप के टिकट से, और आपका जीतन राम मांझी है जो हम के पार्टी से। जनता से जानेंगे इस बार किनको जो वोट करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम छोटे लाल है। क्या बोलना चाहेंगे, किस लिए? बोलने का मतलब है सर कि हम लोग पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, ग्रेजुएशन फाइनल किए हुए हैं, मगर बचपना से लेकर बीए तक ला ग्रेजुएशन फाइनल किए तो हर बच्चा के दिल में सपना होता है, माँ बाप के भी सपना होता है कि नौकरी चाकरी हो। तो नौकरी चाकरी में बहुत कोशिश किए मगर कुछ ना कुछ नुकता करके छट दिए गए। मोदी जी बोल रहे हैं कि हम हर साल नौकरियां दे रहे हैं, विदेश में उनका डंका बज रहा है, और आप बोल रहे हैं कि उनको रोजगार ही नहीं मिला, नौकरी तो मिल ही रही है। नौकरी मिल रहा है ना सर, तो मगर उसका जनगणना करके नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से नौकरी देना चाहिए, हर आदमी को देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ तक पढ़ा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए। कम से कम जो बीए किया हुआ है उसको 10,000 का रोजगार हो, घर बैठे या कहीं भी ड्यूटी हो, इस तरह से रोजगार होना चाहिए, कोई चीज में नौकरी होना चाहिए। पढ़ लिख के भी अगर ईटा बाथरूम धोने का बात आ जाता है, रोड पर आ जाता है, तो ऐसा बहुत गर्व की बात हो जाता है। दिल्ली बम्बई कमाने जाना पड़ता है, वहाँ हादसा हो जाता है, किसी ना किसी तरह का मारपीट होने लगता है, वहाँ से भागदड़ हो जाता है, भागना पड़ जाता है। यही कहते हैं कि बेरोजगार को रोजगार दिया जाए। तेजस्वी यादव से उम्मीद है आप लोगों को रोजगार मिलेगी? अगर सरकार चाहेंगे तो हर कुछ हो सकता है, ये भी चाहेंगे तो करेंगे, मोदी सरकार चाहे भी तो भी जहाँ तक ला हुआ। 10 साल भी मोदी सरकार कहीं नहीं दिए, नहीं दिए तो वही न कर रहे हैं कि अभी भी सरकार बने इसके लिए। यदि बोल रहे एक नारा है अगली बार 400 पार, 400 पार इस किस लिए, किस लिए बहुमत, इतना बड़ा बहुमत किस लिए मांग कर रहे हैं? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए इतनी बड़ी बहुमत किस लिए? बेरोजगार को रोजगार हटाने के लिए। वो तो लोग एनडीए में साथ रह करके भी लोगों को नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन 400 पार का ये नारा कुछ अलग कुछ करने के लिए। राज बोला जा रहा है कि लोग परफेक्शन लगा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत होगा तब संविधान को खत्म करेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है? 17 महीने में 2.5 लाख नौकरी दिया, इसलिए इतना बहुमत बना हुआ है एकदम। लोग बोल रहे हैं कि आरक्षण पे चोट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्या बोलिएगा? जब तेजस्वी आएगा तो भी होगा, बस तेजस्वी का इस बार लाना है। तेजस्वी यादव क्या किए? वो हम आते सब कुछ करेंगे। 2.5 लाख नौकरी दिया यार, बोला ना यार, 17 महीना 2.5 लाख नौकरी दिया, अगर वो बन जाएंगे तो सोचे कितना देंगे। नीतीश कुमार बोलते उसको क्या पता था, नौकरियां हम दिया, आजकल बोले चला कि हम नौकरी दिया, हम नौकरी दिया, नवादा के मंच से बोले। वो पलटू राम चाचा है, ने सोने पलटे रहते हैं, उनका कोई बात का भरोसा? वो दिया चोर है, पलटू राम है, पलटू राम है, चोर है मोदी, चोर है।
कैसे चोर है? चोर है ना, क्या चुराए? बहुत सारा चीज बेच दिया मोदी जी, क्या चुराए जी? सारा चीज बेच दिया, सारा चीज बेच दिया। सुनने मारा घोटाला किए की तो ना घोटाला कोई घोटाला किया तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला घोटाला 2000 करोड़ 6000 करोड़ कौन किया घोटाला? घोटाला सजा मिलेगा जो किया। नरेंद्र मोदी बोलते भारत माता की जय, बीप कंपनी के नाम से 250 करोड़ घोटाला हुआ, क्या बोलिएगा? घोटाला जो किया वो इतना चुतिया आदमी पता है आपको क्या? नरेंद्र मोदी के नाम पे चंदा लिया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के, 6000 करोड़ का घोटाला किया गया है। और बीप कंपनी जिसको हम लोग भारत माता बोलते हैं, गाय के नाम पे 250 करोड़ का घोटाला हुआ है इस देश में, क्या बोलिएगा? घोटाला जो किया गया है मोदी जी के आपसे पूछ रहे हैं कि एक इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी जो घोटाला के जो पूरा मीडिया चला रही है, क्या ये सही है? क्या जी, कौन चीज का घोटाला का? नरेंद्र मोदी चंदा के नाम पे, ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे मतलब 6000 करोड़ का घोटाला हुआ है देश के अंदर में, क्या ये सही है या फिर गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको पता नहीं है जी? नहीं जी, पता ही है कि जुमलाबाजी कैला से खुश ना होई, अरे जुमलाबाजी कैला से माना खुश ना होई, रोजगार नहीं देवा माना खुश ना हो, मना खुश ना होई, अरे घी घी आईला में घी आईला से अर मन पवित्र न होई, और सोने के चिड़ैया कहियो पीतल न हो, घिया से मन पवित्र न हो। भैया आज जमाना है जानते हैं, कल के मैसेज आया है देख लीजिए कि प्रधानमंत्री को जिताइए और 400 में सिलेंडर लेके जाइए। हमने बोला फोन से बात हुआ था, हम बोले कि ठीक है, कल का स्टेटमेंट है। हाँ, मेरा मैसेज आया। एक चीज और, राजस्थान में वो बोले थे कि हमारा सरकार बनेगा तो हम 450 में सिलेंडर देंगे, लेकिन आज वहाँ पे बीजेपी की सरकार इनकार क्यों कर रही, फिर तो यहाँ कैसे दे देगी? फिर पलट रहा बड़का झूठा पार्टी है, उसका कोई वैल्यू नहीं है भैया, वैल्यू नहीं है उसका, वैल्यू नहीं है, दम नहीं, वैल्यू था, हम लोग जिताए थे कहला कि रोजगार मिलेगा, जनता को रोजगार देगा, लेकिन अब नहीं रोजगार नहीं मिलेगा। हम आशा टूट गया भैया, दम आशा टूटल है। बोल रहे क्या है बीजेपी, क्या है आप बताइए, हमको तो पाते नहीं है, हम तो जानते कि भारतीय जनता पार्टी उनका नाम है, बीजेपी का फूल जानवे नहीं करते हैं। बीजेपी क्या है? झूठा पार्टी है, उसको बोलते हैं बड़का झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ बोलते हैं? बड़का झूठा पार्टी बोलते हैं उसको, बीजेपी को। आप बोल रहे हैं? हाँ, हमने सब बोल रहे हैं, हम लोग भी बोलेंगे। इस बार आप लोग मूड बना लिए, मोदी जी को रखना है कि पलटना है? मोदी जी को यहाँ रखना ही नहीं है, त्रस्त हो गए हैं। हाँ, त्रस्त हो गए, मोदी जी से त्रस्त हो गए। फोकस कीजिए, मेरे को बात बोलने जा रहे हैं। आधी रोटी खाएंगे तेजस्वी यादव को जिताएंगे, आधी रोटी खाएंगे तेजस्वी को जिताएंगे। हाँ, दम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे। जो युवा नेता चाहिए भैया, बस वही चाहिए। हाँ, वही चाहिए। अब तो जाने वाले हैं। क्या नाम? नाम है मेरा एमडी अजीज, एमडी अजीज, एमडी अजीज। चलिए, बहुत ही बेबाकी तरीका से अपना बात को रखें, लेकिन जितना भी क्वेश्चंस मैंने पूछा इन लोगों से, कुछ लोग चाचा जो जवाब नहीं दिए हैं और कुछ भाई लोग ये जवाब दिए हैं, बहुत सटीक तरीका से अपना बात को रखे। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, लेकिन इनके पास कोई डाटा नहीं था। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? फेसबुक पेज पे वीडियो को देखते, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।